हेलो दोस्तों, दिस इज रमेश फ्रॉम एनसीएम मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो आई, तीसरा पार्ट है बेटे के लिए। बाइक जो बना रहे हैं वो कंप्लीट होने वाली है, हो सकता है आज पूरी कंप्लीट हो जाए। सामान सारा पेंट होकर आ चुका है, इंजन भी यहाँ कंप्लीट है। ये रहा देखो, चेसी वगैरह बेबी पिंक कलर करा दिया, उधर भी सारा सामान तैयार है। मैंने अगर टायर ये देखो, मैंने नया लगा दिया, पिछले टायर भी नया लग चुका है अलॉय व्हील में। और ये वाला टायर नहीं लगा, जैसे बताया अलॉय व्हील कर दिया, ट्यूबलेस टायर कर दिए हैं। बेसिकली सारा सामान तैयार है, हो सकता है किस कोई चीज़ की जरूरत पड़े। अब हमने कहा इसको फिट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेगी। मतलब एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही कूट कूट के आ रही है कि कुछ अलग ही फीलिंग है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो बिना देरी करे इसकी फिटिंग चालू करते हैं और रेडी करते हैं इसे। We'll be right back.
ही काम इसके अंदर रह गया है, बट उससे पहले वायरिंग और अपना इलेक्ट्रिकल चेक कर लेते हैं। ये हेडलाइट वगैरह तो सब ऑन है, स्टार्ट करते हैं। वाह, बढ़िया है। ट्यूनिंग करनी पड़ेगी इसकी, पेट्रोल क्योंकि अभी एयर फिल्टर भी नहीं लगा है, काम करना है इसका भी काफ़ी। आवाज़ अच्छी निकली है, अभी जब एयर फिल्टर लग जाएगा। बढ़िया एकदम, इसकी रेस भी कम कर दी अभी, देखता हूँ अभी चला के कितनी आ रही है, फिर और कम करते हैं। अब इसका काम बताता हूँ आपको क्या क्या रह गया यहाँ से। ऑफ काम बेसिकली इसमें छोटा स्पीडोमीटर लगाना है अभी, और अभी ये स्विच का कंसोल बनाना है ताकि स्विच हमारा ऊपर रहे, थोड़ी ब्रेकिंग सही करनी है और इसकी स्पीड देखनी है, फुटरेस लगाने पर। पहली बात मेरे तो चलाने के लिए है, मगर यहाँ फुटरेस लगाने के लिए नहीं है, ये धुआं भी बैंड पाइप में से निकल रहा है। तो ये फुटरेस की क्लैंप बना लिए, दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये वाली इस तरीके से क्लैंप लगेगी और हमारे बुलेट वाले फुटरेस आ जाएंगे, समथिंग लाइक डैट। ये अभी इसलिए नहीं लगाए तो चेक करना है भी उसके हाइट के हिसाब से हमें क्या है, और ये एक्सल में लंबा बनवाना है। तो बहुत लोगों की डिमांड थी यार वो बाइक का है, कई वीडियो में मैं वीडियो कोई सी भी डाल रहा हूँ तो वाली बेटी वाली बाइक का है जो छोटी बना रहे थे, तो इसका पार्ट का यहाँ करते हैं एंड। फिनिशिंग का काम आपको पता चल गया मतलब कैसी बन रही है, फिनिशिंग का काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बेटी को भी बुला के असुदा को उसको देंगे, देखते हैं कि क्या उसका रिएक्शन रहता है और क्या मतलब सब कुछ वो पता चलेगा अगले पार्ट में, मतलब एक पार्ट और रहेगा। तो अभी करते हैं इस लॉक एंड, बाकी आप बताओ उसके अंदर कुछ अगर और चाहते हो कि क्या क्या करना है एडिशन से, क्योंकि अभी जैसे उसने नाम बताया, नाम अभी रिवील नहीं करूँगा, जो उसने नाम बताया यहाँ पे प्रिंट कराना है वो खुद बताएगी अपने चैनल पे। उसने कहा पापा नाम मत बताना, मैं खुद बताऊँगी, और कुछ स्टिकर्स और लगाने हैं, छोटे मोटे काम करने हैं। तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया कैसी कैसी है, एक बार इसको चारों तरफ से देखो कैसी है। पसंद आएगी, अब भी कह रहा हूँ अगर आप कुछ राय देना चाहते हो तो प्लीज़ राय दो इसको लेके कि और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बाइक पहली बार मतलब ऐसा कुछ बना रहे हैं, बनते हैं मतलब कुछ नया है, ये यूनिक है, कुछ ऐसा बना नहीं है आज तक, ना कभी देखा है। तो ऐसा कुछ आइडिया अगर आपको भी लगता है कि ये करना चाहिए तो वो चीज़ बताओ। रेस मैंने बांध दी, अभी मैं वहाँ से शॉप से यहाँ तक ऑफिस तक लेके आया हूँ, तो अभी चल रही है 35, मैं इसको और कम करके स्टार्टिंग में 15-20 की स्पीड कर दूंगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा कम करने से गाड़ी टॉर्क नहीं लेगी, तो टॉर्क भी थोड़ा सा चाहिए ताकि वो चल पड़े। और इसमें स्टार्टिंग में सोच रहा हूँ व्हील बैलेंसर भी लगा दूँ, मतलब दो व्हील एक्स्ट्रा लगा दूँ, फुट रेसर लगाऊँ उसके साथ एक्स्ट्रा व्हील भी लगा दूँ ताकि बैलेंस बना रहे, स्टार्टिंग में उसका काम आएगी। एक राय एक दिल कह रहा है कि यार नई बैलेंसर मत लगाओ, उसको सिखाओ वैसे हो जाएगा, देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट ब्लॉग का इसका नेक्स्ट वाले का वेट करिए, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद असुदा को डिलीवर करनी है, उसका क्या रिएक्शन रहेगा, उसके बाद उसको सिखानी है वहाँ क्या रहेगा, सब कुछ बहुत जल्दी पता चलेगा आपको इसी चैनल पे वीडियो में। तो जुड़ रही है, आपको पता है क्या करना है ताकि वीडियो आए तो आपके पास पहुँच जाए। होप आप वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, जाकर भी वीडियोज़ के मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।